हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्नेहाशीष। आप सबको इलेक्ट्रिकल लैंडमार्क में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया कनेक्शन आप लोगों को दिखाएंगे। एक टूए स्विच में कैसे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन होता है, एक स्विच में दो कनेक्शन कैसे होता है, उसी के बारे में आप लोगों के साथ हम लोग बात करने जाएंगे। जैसे मेरा ये वाला स्विच देखिए, ये मेरा ऊपर वाला जो है, जो अभी बंद है ना, वो अभी सीरीज कनेक्शन में है, और चालू करेगा तो ये पैरेलल कनेक्शन में है। आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मैं एक ब्लोअर लिया हूँ, तो इसको मैं जब दबाएंगे बल्ब ग्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब ये सीरीज कनेक्शन में है, लेकिन जब मैं स्विच फिर चालू करने जाएंगे तो ये क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में मेरा ब्लोअर चालू होने लगेगा। ठीक है, फिर जब मैं इसको बंद कर देंगे फिर सीरीज कनेक्शन में हो जाएगा। तो एक स्विच में दो कनेक्शन कैसे किया जाता है, वो आज आप लोगों को बताएंगे। तो जरूर लास्ट तक वीडियो देखने का, नहीं तो कनेक्शन समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ जरूर एंड तक देखने का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम कनेक्शन करने के लिए मैं एक प्लग ले लिया, मॉड्यूलर प्लग ले लिया, एक स्विच टूए स्विच ले लिया, एक होल्डर ले लिया। तो चलिए इसका कैसे कनेक्शन किया जाता है आप लोगों को मैं समझाता हूँ। एक टूए स्विच में एक साइड में मैं सीरीज कनेक्शन करेंगे और एक साइड में पैरेलल कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो आपका एक स्विच में काम तमाम हो जाएगा, उसके लिए कोई सीरीज के लिए अलग अलग बोर्ड बनाना नहीं पड़ेगा और पैरेलल के लिए अलग बोर्ड नहीं बनाना पड़ेगा। एक स्विच में और एक सर्किट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कोई ये नहीं है, आपका बोर्ड भी बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। छोटा एक बोर्ड में जो सॉकेट और एक स्विच लगाने के लिए जो बोर्ड चाहिए वो आप खरीद लेगा तो भी चलेगा। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है, जरूर लास्ट तक देखने का, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जो दिक्कत है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन जरूर वीडियो को लास्ट तक पहले देखिए फिर बताइए, ठीक है। तो चलिए कनेक्शन शुरू करते हैं, कैसे कनेक्शन किया जाता है। पहले हम एक सॉकेट ले लिया और एक स्विच ले लिया, होल्डर ले लिया। तो इसमें क्या करना है मेरे को फ्रेंड्स, पहले इसको लूज कर लेते हैं, लूज करने के बाद मैं छोटा वायर का एक टुकड़ा ले लिया, एक स्विच में लगा देंगे। देख लीजिए, थोड़ा जरूर देखने का। पहले आपको टूए स्विच के बारे में मैं बताया एक पहले एक वीडियो में, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बहुत सारा ऐसे इलेक्ट्रिक नॉलेजेबल वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, तो ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आपका दोस्तों के साथ इलेक्ट्रिकल का कोई काम करता है या कोई इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई काम करेगा तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ये जो स्विच है, मैं ये जब प्रेस करेंगे तो ये जो कॉमन पॉइंट है ना, इसके साथ इसका लिंक रहता है। जब ये बंद चालू करेंगे तो ये कॉमन पॉइंट के साथ इसका लिंक रहता है। तो टूए स्विच ऐसा है। अभी आपको कैसे कनेक्शन किया जाता है ये बताता हूँ। ये टर्मिनल में कनेक्शन कर दिया, फिर सॉकेट का ये टर्मिनल में एक कनेक्शन कर दिया, ओके। अब एक जो होल्डर है, होल्डर को फ्रेंड्स क्या करने का, होल्डर का जो फेज है, एक वायर होल्डर का ये टर्मिनल में कनेक्शन कर देने का, ठीक है। मैं कनेक्शन करके समझाएंगे कैसे वर्क करता है ये। और ये जो न्यूट्रल है होल्डर का, एसी का कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी वायर किधर भी लगा सकते हैं। तो इसका एक वायर मैं उधर लगा दिया स्विच में, और एक वायर मैं ये वाला जो टर्मिनल है जो इधर से आया है मेरा, ठीक है, जो इधर से जो टर्मिनल होके मेरा वायर आया है, ये वाला वायर में मैं लगा देंगे। ये मेरा फेज है ये साइड, तो इधर मैं इसको कनेक्शन कर देंगे, ओके फ्रेंड्स। कीमत कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं है, बाद में बात समझाएंगे कैसे ये वर्क करता है।
जरूर लास्ट में देखिए। मेरा कनेक्शन रेडी हो चुका है, अभी आपको क्या करना है, एक वायर लेना है जिसको आपको फेज और न्यूट्रल देना है, प्रोवाइड करना है जो हमारा कनेक्शन को, स्विच को जो फेज आता है, मैं एक फेज, ये मेरा फेज आ गया, मेन वायर का फेज आ गया, ये गया आपका फेज, अरे ये हमारा न्यूट्रल, ठीक है। अभी देखिए ये कैसे वर्क करता है, ये मेरा सीरीज वाल्व है, ओके, ये मेरा ये स्विच है, अरे मॉड्यूलर प्लग सॉकेट है, तो ये जो मेरा वायर है ये है मेरा फेस, ठीक है। ये जो फेस है जब मैं स्विच बंद है तो ये मेरा इधर में नहीं आएगा पावर, पावर इधर इसमें आएगा, तो मेरा सीरीज बल्ब में जा रहा है। अभी मैं इधर बल्ब नहीं लगाया, एक बल्ब लगा के दिखाता हूँ, ओके। इधर जब मैं लगाया ये बल्ब में गया, लेकिन फिर बल्ब में जाके लेकिन मेरा न्यूट्रल नहीं मिलेगा, ये है मेरा न्यूट्रल, तो मेरा बल्ब का वायर तो इधर कनेक्शन है तो न्यूट्रल कैसे मिलेगा, तब ये सीरीज काम करेगा। जब मैं चेक करेंगे वो मैं कॉयल या मशीन अच्छा रहेगा तो मेरा ये जो न्यूट्रल है वो मशीन का थ्रू से इसमें आएगा, आके फिर मेरा तब तो बल्ब ग्लो होगा, तो ये सीरीज कनेक्शन ये है, सीरीज कनेक्शन ऐसा होता है। और ये जो है जब मैं इसमें दबाएंगे तो मेरा इधर पावर जाना बंद हो जाएगा, ये बल्ब का जो वायर है इसमें पावर जाना बंद हो जाएगा, मेरा ये वाला जो वायर है योलो वाला जो सॉकेट में आ रहा है इसमें पावर आ जाएगा, ओके। इसमें जो पावर आ जाएगा तो ये ऑलरेडी इसमें पावर है और ऑलरेडी इसमें न्यूट्रल है, तो ये मेरा ऑलरेडी पैरेलल कनेक्शन हो चुका है, इसमें तो मेरा सीरीज काम नहीं करेंगे। तब जब मैं इसमें फिर स्विच बंद करेंगे तब मेरा स्विच ये काम करेगा सीरीज, जब मैं इसको फिर स्विच प्रेस चालू करेंगे फिर मेरा ये सीरीज काम नहीं करेगा, तो मेरा पैरेलल कनेक्शन काम करेगा। तो अब दिखाता हूँ ऐसे ऐसे काम करता है, जैसे मैं पावर देता हूँ इसको, ठीक है, पावर दे के दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो दोस्तों चलिए चेक करता हूँ, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है। देखिए ये मेरा अभी स्विच बंद है, ये मेरा सीरीज कनेक्शन, तो मैं इसको अभी टेस्ट करता हूँ। चलिए एक वायर छोटा वायर टुकड़ा ले लिया मैं, इसको दो प्लग में सेट करता हूँ तो आपको पता चलेगा मेरा काम कर रहा है कि नहीं। देखिए मेरा बल्ब ग्लो होगा, ठीक है, बल्ब ग्लो हो चुका है, तो ये मेरा सीरीज है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। लेकिन जब मैं से स्विच दबा देंगे ना फ्रेंड तब क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट जनरेट होगा, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। अब इसको निकाल के फिर आप कुछ काम कीजिए, जैसे नॉर्मल प्लग होता है ये, अभी सीरीज कनेक्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा आपको देख के काम करना है, ऐसा कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, ये सब आपको केयरफुली करना है। तो फ्रेंड्स और एक बार आप समझ लीजिए कैसे वर्क करता है, ठीक है, और एक बार मैं समझा देता हूँ, देख लीजिए मेरा फेज आ चुका है, जब मैं ये प्रेस करें इधर रहेगा मेरा स्विच दबाएंगे तो ये इसमें पावर आ जाएगा, आके मेरा इसमें बल्ब में पावर आ जाएगा, लेकिन न्यूट्रल नहीं मिलेगा। जब मैं इधर शॉर्ट करेंगे या सीरीज कोई भी मशीन चेक करेंगे तो मेरा न्यूट्रल जब इसको मिलेगा इधर वाला न्यूट्रल इसमें, तो मेरा बल्ब ग्लो होगा, तो ये सीरीज कनेक्शन है। जब मैं ये प्रेस करेंगे इधर वाला स्विच तो ये मेरा पैरेलल हो चुका है, तो इसमें पावर आएगा, आके मेरा इसमें तो बंद हो जाएगा बल्ब में जाना, ठीक है, तो इसमें मेरा पावर आएगा ए टर्मिनल में, ए टर्मिनल में पावर होके इसमें आ जाएगा ये सॉकेट में, और न्यूट्रल तो पहले से ही इसमें लगा हुआ है, तो ये पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा करके कनेक्शन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो आपको देखने के लिए क्या करना का पड़ेगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ चैनल को, और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। अब उम्मीद है ये कनेक्शन आपको समझ में आया होगा, तो और कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जानना है तो हमको कमेंट कीजिए, तो हम कोशिश करेंगे वो आपको क्वेरी है पूरा करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स थैंक यू।